हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, इस सुप्रभात में तेरी आराधना हो। सारी सृष्टि सानंद तेरी स्तुति और आराधना करती है। तूने अपनी अनंत एवं अगम्य करुणा में उनकी रचना की और निराले ढंग से तू उनको संभालता है। प्रभु, तू ही सृष्टि के आदि कारण एवं हमारी आत्माओं का संरक्षक प्रभु है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। समस्तमित्र प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। हे प्रकाश दाता, हम तेरी स्तुति करते हैं। समस्तमित्र प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़े हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थाई है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक। आमीन। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। हे प्रकाश दादा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तेरे परम धन्य नाम का गुणगान करते हैं, क्योंकि तू ही सबका प्रभु और सृष्टिकर्ता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। धन्य हो तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में सुरक्षित हो। हे मसीह हमारे मुक्तिदाता, तुझ पर प्रत्याशा रखना स्तुति के योग्य है। धन्य हो तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में सुरक्षित हो। तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हो। वह तुम्हें पहले के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको रख लेता है, तुम्हें उसके परों के नीचे शरण स्थान मिलता है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा कवच। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाढ़ से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लो से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे
तुम आग और अजर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक आमीन। धन्य हो तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो। हे हमारे मुक्तिदाता मसीह, तुझ पर प्रत्याशा रखना स्तुति के योग्य है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तेरा संरक्षण परम उदात और स्तुति है। जो तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे नाम की दुहाई देते हैं, वे कभी निराश नहीं होते। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, तो कितना महान है, सदा सर्वदा प्रभु की महिमा हो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, तो कितना महान है, तो महिमा और प्रताप से विभूषित है, तो प्रकाश को चात्र की तरह ओढ़े है। तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है, तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है, तू बादलों को अपना रथ बनाता और पवन के पंखों पर चलता है, तू पवनों को अपने दूध बनाता है और अग्नि की ज्वालाओं को अपने सेवक। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया, वह सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया, जल पहाड़ों के ऊपर चढ़ा हुआ था, जल तेरी धमकी से हट गया, तेरा गर्जन सुनकर भाग गया। वह पहाड़ों पर से बहता हुआ घाटियों में उतरा और तेरे द्वारा निश्चित स्थान पर आ गया। तूने उसके लिए एक सीमा निर्धारित की, जिसे वह लांघ नहीं सकता, वह फिर कभी पृथ्वी को नहीं रख सकेगा। तू घाटियों में से स्रोत निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। मैदानों के पशु उनका पानी पीते हैं, जंगल के गधे उनमें अपनी प्यास बुझाते हैं, आकाश के पक्षी उनके पास बसेरा करते और डालियों पर चल जाते हैं। तो अपने ऊंचे निवास से पहाड़ों को सींचता और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है। तू पशुओं के लिए घास उगाता है और मनुष्य के लिए पेड़ पौधे, जिससे वह भूमि से रोटी उत्पन्न करे। समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो, समस्त राष्ट्रों उसकी महिमा गावो, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम सामर्थ्य है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक आमीन। हर सांस में हम प्रभु की स्तुति करें। हे मसीह दिव्य ज्योति, हम तेरी स्तुति करते हैं।
हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे ईश्वर, तेरी आनंद एवं अगम्य दया के प्रति सारी सृष्टि तेरी स्तुति और आराधना करे। तू ही सबका प्रभु है सदा सर्वथा। आमीन। हे सबके प्रभु, तेरी स्तुति हो। ईसा मसीह, तेरी स्तुति जय हो। तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है और हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। हे प्रभु, प्रातः काल तैयार होकर मैं तेरे सामने आया हूँ, मेरी प्रार्थना सुन। हे सबके प्रभु, तेरी स्तुति हो। ईसा मसीह, तेरी जय हो। तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है और हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे अनादि ईश्वर, प्रतापी राजा, तू हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है और हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे ईश्वर, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हो। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंधकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आते हैं। ईश्वर, मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु, मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होंठ चढ़ाता तो उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप भी मेरा बलिदान होगा, तू पश्चाताप भी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय हो, अनादि से अनंत काल तक, आमीन। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे मसीह, तू मानव जाति की शरण एवं शांति का किनारा है, हमें अपनी शांति प्रदान कर, ताकि हम जीवन भर तेरी स्तुति करते रहें। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। ऊंचे स्वर से जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे पावन ईश्वर, हे पावन शक्तिमान, हे पावन अमर, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु तेरा नाम पवित्र है, हे भले ईश्वर तेरी दया आनंद है, हम भावी तुझे पुकारते हैं, हम पर अपने अनुग्रह की वर्षा कर। तू ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, सदा सर्वथा। आमीन। जनों को बुलाने जग में आया हूँ, पाप के द्वारा हे प्रभु जी, तेरे क्रोध का पात्र बना, तेरे सिवा और कौन प्रभु, मुझको अपना स्वीकारे स्वीकारे। सकलेश्वर प्रभु ही मेरा चरवाहा है, तू ही उत्तम चरवाहा, गैरों को भी अपनाया, पाप के पद से हटा करने, भेड़ों के संग स्वीकारा स्वीकारा। स्तुति हो पिता की, पुत्र और पावन आत्मा की, चोर समारत आएगी, मेरी जान चुराएगी, हे प्रभु जी उसके पहले निज पापों को स्वीकारो स्वीकारो। नूतन दिन के प्रथम क्षण में आए हैं तेरे चरणों में, सारी सृष्टि के प्यारे पालनहार, करते हैं स्तुति तव लयनों में, अपनी कृपा से हे प्रभु भर दे शांति, नूतन दिन पापों का मोचन, दे दे कृपा नेकी पर हमको चला भगवन, चरण है तेरे चरणों में, हम संतानों को संभाल, करना पार कभी बंधन होने दे, खिलाफ हमारे है जगपाल, मानव है कितना दुर्बल, याद तुझे ही दे दे बल, योग नहीं फिर भी दे दे पुरस्कार, उद्धार कर हे करुणा पार, प्रेम परस्पर मैत्री दे, शांति जग में होने दे, कार्य चरागाही फलदाई होवे, हे मेष पालक आशीष दे, मानव को आरो।
जनों को चंगाई, मानव जाति के पापों को धोना, निकला दया की गहराई। जैसे बजाया साउल से सेवक दाऊद को तूने, सारी राहों में अपनी बाहों में रक्षा हमारी प्रभु कर ले। इस दिन जो भी कार्य करे उसमें तेरी चाह रहे, शांति के रहो चरण हमारे हो, विजय हमें तो होने दे। मूसा को तेरे प्रिय जन को तूने बचाया सागर में, सिंहों के मुंह से दानियल धर्मी को तूने संभाला बाबुल में, बालक तय को अग्नि से तूने सुरक्षित मुक्त किया, जग जीवन में हमें दुष्टात्मा से बचा, रक्षा हमारी कर कृपया। अरुणोदय में हम उठकर करते पिता का आराधन, मिलकर करते आत्मा का वंदन, गाते दिव्यात्मा का कीर्तन। ईश पिता का कृपा दान, वत्सल सुख का करुणा दान, पावन आत्मा का मंगल सजरिदा, अविराम पाए हम नादा। वैद्य हमारा तू ही नाथ, मानव के तो शरण शिला, तो संतानों का नाश न होवे ता, करुणा का औषध दान दिला। आदेशों के पालन में शक्ति जरा भी नहीं हमें, अपने भक्तों की रखवाली कर ले, आए प्रभु श्री चरणों में। अनुतापी की प्रतीक्षा में प्रभु का द्वार सदा है खुला, चरणों में जाए पाप क्षमा पाए, होंगे सुनिश्चय स्वस्थ भला। प्रतिदिन वादा करते ना, फिर भी बढ़ते पाप बरात, संभल संभलते और गिर जाते, अंगुली पकड़ प्रभु चलना सीखा। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु करुणा सागर, तू न्याय एवं दयालु है, तेरा नाम पवित्र है, हम आराधकों पर तू अपने प्रेम की मधुरता बरसा दे और विपदाओं से हमारी रक्षा कर, अपने प्रेमय परिपालन की छत्र छाया में हमारा संरक्षण कर। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे प्रभु तू अपने महिमामय त्रित्व का रहस्यमय सामर्थ्य, अनंत कृपा और निरंतर सहायता हमें प्रदान कर। पवित्र कुमारी मरियम की प्रार्थना एवं संत यूसुफ तथा पवित्र प्रेरितों के अनन्य विनय के द्वारा दिव्य सहायताएं हमें सदैव प्राप्त हो। हमारे पिता प्रेरित संत थॉमस, संत जॉर्ज और दूसरे शहीदों और इस भवन के संरक्षक और सब संतों एवं धर्माचार्यों की मध्यस्थता हमारी मदद करें। वे हमें आश्रय एवं सहायता दें तथा शैतान और उसके साथियों से बचाकर हमें स्वर्गीय आनंद की ओर ले चलें। तू ही सबका प्रभु है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वथा। आमीन। हे प्रभु तेरा आशीर्वाद। हे प्रभु हमारे ईश्वर,
पीड़ितों को सांत्वना दें, रोगियों को स्वास्थ्य और गरीबों को संरक्षण प्रदान कर, पापियों को पश्चाताप दें, मृतकों को स्वर्ग भाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। हम सबको जिन्हें प्रभा दर्शन का सौभाग्य मिला है, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह प्रदान कर, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन।